हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 24 स्टडी जोन। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं आप लोगों को, थंबनेल से ही पता चल ही गया होगा कि जो बिहार में कृषि से संबंधित एक वैकेंसी आई थी ATM BTM की, तो इसकी लास्ट डेट और 3-4 दिन बची है, 3-4 दिन तक बची है। तो अभी तक हम लोग ये देखेंगे कि कितने फॉर्म अप्लाई हो गई है और किस किस जिला का कितने कितने कटअप जाने वाली है। और मैं जो भी कटअप बताने वाला हूँ, मैं अभी रजिस्ट्रेशन कल किया था, तो कल के रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ कि कितने फॉर्म गिर गए, जिसके वजह से 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में कितनी और फॉर्म की अप्लाई बढ़ गई है, जिसके वजह से आपके कटअप और हाई जा सकती है। और कितने से कितने के बीच में किस किस कैटेगरी का रहेगा, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस चैनल पर लास्ट तक बने रहे और एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर करें। चलिए मैं बता रहा हूं, सबसे पहले जो बिहार में ATM BTM की वैकेंसी चल रही थी, ये आपको भी पता है कि पेपर नहीं होने वाली, इसकी एग्जाम होने वाला नहीं है, तो ये आपको मेरिट वेस्ट पर जाएगा। तो मेरिट जो बनेगी तो सबसे हाई लेवल से ही बनती है, आप लोगों को भी पता है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो उनकी मेरिट थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा हो जाए, उनकी थोड़ी संभावनाएं ज़्यादा बन जाती है। कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज से भी आदमी लोग पढ़ता है, जो भी स्टूडेंट पढ़े हैं, जिनकी परसेंटेज कम है, तो उनकी सस्पेशन को मैं दूर करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया हूँ और मैं जो भी कटअप बताऊँगा 2 से 4 नंबर का आगे पीछे मतलब हो सकती है, पर जिस जिस जिले का बता रहा हूँ एकदम सटीक आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहे। चलिए मैं बता रहा हूँ, जो कटअप है, एक कटअप अपना जो जनरल का AWS BC EBC ST SC का जो है, मेल फीमेल के ये सभी चीज़ों को देखेंगे, तो इसमें जो है जनरल का जो है कितने से कितना होगा, 68 से 70+ इस बार की कटअप होने वाली है। और फीमेल के लिए कितनी होने वाली है, 62 से 65, मतलब 62+ में जिसका भी सही है तो अपना वो मतलब सिक्योर समझे, क्योंकि इसमें इतनी भी कोई ज़्यादा हाई लेवल के कटअप नहीं है, जिसके वजह से कि जो कम परसेंटेज वाले हैं या जिसमें कुछ किस ऐसे जिला है जिसमें आपके वैकेंसी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जैसे अपना मधुबनी हुआ, नालंदा हुआ, पटना हुआ, छपरा हुआ, ये सभी जिलों में सब में 28, 30, 30+, 39, 35 ऐसे वैकेंसी, ईस्ट चंपारण हुआ, तो उसमें कटअप तो थोड़ा कम जाएगी पर उसमें फॉर्म भी ज़्यादा गिरी हुई है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि कितने से कितने के बीच में कट ऑफ होने वाली है। तो अपना जनरल का 68 से 70+ में रहेगा और फीमेल का कितना रहेगा, अपना 62+ में रहेगा। तो भाई EWS का बात करें तो अपने EWS में आपका जनरल का जो मेल का होगा वो अपना 60+ में होगा, और वही फीमेल का कितना हो जाएगा आपका, 57 के आसपास में आपकी कटअप रहेगी। वही BC का बोल देखें तो BC में अपना 63+ में होना चाहिए और अपना ये 54 फीमेल की होनी चाहिए कटअप, आसपास में ही मतलब रहेगी। EBC के कितनी होनी चाहिए, ये अपने 55+ में है और अपना 50+ में आपका फीमेल का है। ST SC के लिए 50+ मेल और 46 या 45, 46+ में आपका फीमेल होगी, और जिसको इसके अकॉर्डिंग आ रही है तो अपने सेफ समझे। और ये भी देख ले कि किस किस जिले में जिसमें ज़्यादा वैकेंसी थी, उतना ही जिला का मैंने लिस्ट बना रखा है। तो जिला में देख लीजिए, ये है अपना पटना है, छपरा है, सिवान है, बेगूसराय है, नालंदा है, दरभंगा है, बक्सर है, पूर्णिया है, पूर्वी चंपारण है, भागलपुर है, मधुबनी है, सहरसा है और समस्तीपुर में। दोस्तों, इतने सारे जिले में सबसे अधिक वैकेंसी, जैसे अपना मान ले पटना का, मान ले अपना छपरा देख लीजिए, ये अपने नालंदा देख लीजिए, मधुबनी हो गए, ये पूर्वी चंपारण, इन सभी जिलों में सीट की मात्रा मतलब कुछ ज़्यादा मात्रा में सीट है और जिला का अपेक्षा, तो इसमें जब सीट ज़्यादा होगी तो फॉर्म भी ज़्यादा पड़ेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग है आपकी कटअप बनी हुई है। और कटअप में एक चीज़ और बता दें कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अदर स्टेट से हैं, तो कुछ ऐसे कितने ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे जो आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा, किसी का आई निवास बोल देता है कि मैं बिहार के निवासी हूँ, आई निवास है, उनके पास आई निवास नहीं रहती है, कोई डॉक्यूमेंट बोल देते हैं कि हम बिहार के हैं और वो रहने वाले UP के, इसके वजह जब वेरीफाई होती है तो बहुत, तो मतलब इसमें से 5 से 10% तो ऐसा ही फॉर्म रिजेक्ट हो जाती, तो जिसके वजह से कटअप भी आपकी कम जाने वाली। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगा आपको, तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और यदि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो हमारे इस चैनल पर 24 स्टडी जोन पर आपको पर डे जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन मिलेगी,
और प्रैक्टिस सेट में मैं कराता हूँ, तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। और आगे के नेक्स्ट जो भी इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं आपको ATM BTM से संबंधित इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।